ठोस एवं अर्धचालक युक्तियाँ। पिछले क्लास में हमने देखा कि ठोस एवं अर्धचालक युक्तियों के अंतर्गत ट्रांजिस्टर के विषय में हमने देखा कि ट्रांजिस्टर किस प्रकार से बना होता है। ट्रांजिस्टर जो है वह पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को इस प्रकार से जोड़कर बनाया जाता है कि इसमें तीन भाग होते हैं, है ना। तो ये जो तीन भाग होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ट्रायोड वाल्व, है ना। तो ये ट्रायोड वाल्व की तरह जब कार्य करते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर जो होते हैं उसमें जो अर्धचालक प्रयोग किए जाते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक, जिनके तीन भाग होते हैं, है ना, जैसे पी एन पी और एन पी एन, है ना। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में विस्तार से देखा, पी एन पी और एन पी एन, जिसमें जो बाहर के जो भाग होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो जो होते हैं वो एक प्रकार के अर्धचालक से बने होते हैं, जबकि मध्य का जो भाग होता है जिसको आधार कहते हैं वह विपरीत प्रकार का अर्धचालक से बना होता है, ठीक है। और उसी के आधार पे हम देखते हैं पी एन पी और एन पी एन, इसके बारे में हमने जो है क्या किया, विस्तार से अध्ययन किया। उसी के साथ साथ हमने पी एन पी और एन पी एन के बारे में चर्चा किया, और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि इनके परिपथ के अनुसार ये तीन प्रकार के होते हैं, है ना। पहला कौन सा होता है, हाँ वेरी गुड, कौन सा होता है, उभयनिष्ठ आधार परिपथ, ठीक है। और दूसरा उसी तरीके से उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ, और तीसरा जो होता है उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ होता है। यानी परिपथ में जोड़ने के आधार पे, है ना, हम उसको देखते हैं। तो वह जो होते हैं उभयनिष्ठ आधार परिपथ, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ और उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ होते हैं, जिसमें उभयनिष्ठ जो संग्राहक परिपथ है उनका अध्ययन ना करके हम उभयनिष्ठ आधार परिपथ और उभयनिष्ठ संग्राहक परिपथ के बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमने उभयनिष्ठ आधार परिपथ में पी एन पी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को देखा विस्तार से। अब उभयनिष्ठ आधार परिपथ में हम क्या करेंगे, आज उभयनिष्ठ आधार परिपथ में एन पी एन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को देखेंगे, और इसके उपरांत उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में PNP व NPN ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि को विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ आधार परिपथ में NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि, ठीक है। उभयनिष्ठ आधार परिपथ में NPN ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि, तो ये किस प्रकार से बनता है, इसको हमने देखा था कि ये जो बाह्य भाग होते हैं इस प्रकार से, और ये अंदर का भाग जो पतला होता है, और ये जो भाग है पुनः बाह्य भाग, ये दोनों भाग एक ही प्रकार के अर्धचालक से बने होते हैं। एन पी एन ये क्या हो जाएगा, एन, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा पी, है ना, और ये क्या हो जाएगा एन, इस तरीके से ये एन पी एन, ठीक। अब यहां पर इस भाग को हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, कौन सा भाग, उत्सर्जक, इसको किससे दिखाते हैं, ई से, है ना, और ये जो भाग है इसको कहते हैं बेस, और इसको कलेक्टर, है ना। हमको पता है कि एन प्रकार के अर्धचालक में किसकी संख्या अधिक होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, ठीक है। और पी जो आधार है इसमें धन कणों की
अधिकता होती है। इसी तरीके से पुनः एन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एन पी एन जो है ट्रांजिस्टर हो गया। अब इसे हम जोड़ने के आधार पे उभयनिष्ठ आधार परिपथ कहते हैं। यहाँ पे जो बीच वाला भाग जिसको हम बेस कहते हैं, यदि इस बेस को इधर एमिटर से और इधर कलेक्टर से जोड़ दिया जाए तो चूंकि बेस दोनों में है इसलिए इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ आधार परिपथ। इस प्रकार से जोड़ दें, ठीक है ना। अब चूंकि ये उत्सर्जक है और उत्सर्जक को हमेशा हम किस में रखते हैं, अग्र अभिनति में रखते हैं। ठीक है, उत्सर्जक को हम किस में रखते हैं, सदैव अग्र अभिनति में रखते हैं। और चूंकि n मतलब इलेक्ट्रॉन, तो बैटरी का जो ये सिरा है ना, इसको दिखाए भी से, ठीक। और चूंकि e और b के बीच में लगा है इसलिए स्मॉल e और स्मॉल b, ठीक है। अब चूंकि ये ऋण है तो हम हमेशा अग्र अभिनति में क्या करते हैं, ऋण है तो ऋण से, धन है तो धन से, है ना। तो यहाँ पे ये जो सिरा है ऋण, ऋण को किससे जोड़ेंगे, ऋण से, और इधर इसको धन से, ये धन है तो इसको किससे जोड़े, धन से। तो इसे कौन सा अभिनति कहते हैं, अग्र अभिनति कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो उत्सर्जक परिपथ होता है, उत्सर्जक वाला जो भाग होता है उसको हम किस में जोड़ते हैं, अग्र अभिनति में जोड़ते हैं, यानी सीधा सीधा ऋण को ऋण से, धन को धन से, ठीक। ठीक इसी तरीके से ये जो बैटरी का दूसरा जो सिरा है इसको हम भी से दिखाएंगे, और ये बी और किसके बीच में है, सी के बीच में, इसलिए स्मॉल बी और स्मॉल सी, ठीक। अब ये जो सिरा है आपको मालूम है ऋण है, और हमको पता है कि संग्राहक को हमेशा किस में रखते हैं, हम पश्च अभिनति में। कौन सी अभिनति में रखते हैं, पश्च अभिनति में, है ना। तो पश्च अभिनति में विपरीत हो जाता है, ऋण का धन से या धन का ऋण से। तो यहाँ पे जो है ये ऋण किससे जुड़ जाएगा, यहाँ पे बैटरी के धन सिरे से, और ये जो धन है वो किससे जुड़ जाएगा, बैटरी के ऋण सिरे से, इस प्रकार से जुड़ जाता है, ठीक है। इसी को हम यदि ट्रांजिस्टर के संकेत के माध्यम से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, ये वृत्त हो गया, ये भाग किसको दिखाता है, बेस को, ये दिखाता है एमिटर को, है ना, और ये वाला भाग जो दिखाता है वो कलेक्टर को, यानी ये बीच का भाग बेस, इधर पहला वाला भाग एमिटर, और ये लास्ट वाला को क्या कहते हैं, कलेक्टर। इस तरीके से जोड़ दें, ठीक है। इसको भी ई और बी के बीच में जुड़ा है, जैसे यहां लिखे हैं भी ई बी, है ना, और यहां भी बी सी, ठीक, जैसे इनको जोड़े हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऋण धन, और ये धन ऋण, धन और ये ऋण। इस तरीके से हम एनपीएन ट्रांजिस्टर को संकेत के माध्यम से दिखा सकते हैं। अब इसमें जो है किस प्रकार की क्रियाविधि होती है, तो आपको ये पता है कि ये जो ऋण क्षण है, ऋण जो सिरा है, यहां से यहां के जो ऋण है ना, ये क्या महसूस करेंगे, प्रतिकर्षण। जैसे जैसे हम बैटरी का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे यहाँ के जो ऋण सिरा है, यहाँ से यहाँ के जो ऋण सिरे ऋण इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसा महसूस करेंगे, प्रतिकर्षण महसूस करेंगे। और प्रतिकर्षण महसूस करने के कारण से ये किस ओर आगे बढ़ेंगे, बेस की ओर, आधार की ओर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार पुनः, यहाँ जब हम बैटरी लगाते हैं वैसे ही क्या होता है, बैटरी के ऋण सिरे से यहाँ के इलेक्ट्रॉन या ऋण कण जो होते हैं प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, और वो कहाँ की ओर जाते हैं, बेस की ओर। बेस में चूंकि धन कण है तो ये क्या हो जाएंगे, ऋण कण धन कण से संयोजित हो जाएंगे, मिल जाएंगे, जिसके कारण से यहाँ पे आई बी धारा प्रवाहित होती है,
ठीक है, चूंकि हमें पता है कि बेस बहुत ही पतला है, इसलिए यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन ही इनके साथ साझा कर पाते हैं और बाकी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ निकल जाते हैं? बिल्कुल सही, कहाँ निकल जाते हैं? कलेक्टर की ओर निकल जाते हैं। और इस तरीके से यहाँ जो कलेक्टर का जो भाग है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, यहाँ के सिरे के पास एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यू पहुँचता है, ऐसे ये क्या करता है, ये बैटरी के इस सिरे में इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है? चलने लगता है, ठीक है। जैसे ही क्या हुआ, बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सिरे के करीब आता है और वो क्या कर जाता है, यहाँ बैटरी के इस भाग में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। चूंकि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ऐसा निकलकर इस दिशा में आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है, ठीक है, तो इसके विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। हमने इस बात को देखा है कि इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा चल के यहाँ बैटरी में आता है, इसलिए उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। चूंकि यह क्रिया कलेक्टर में हो रहा है, इसलिए इसको कलेक्टर धारा IC से प्रदर्शित करते हैं। अभी हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को यहाँ पे आकर बैटरी में विलुप्त कर देता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नष्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गया, यहाँ पे नष्ट हो गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ नष्ट हो जाता है, वैसे ही बैटरी के इस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाता है, उत्सर्जक वाले क्षेत्र में चला जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहाँ नष्ट होते ही एक इलेक्ट्रॉन की पूर्ति यहाँ से हो जाती है, ठीक है। अभी हमने देखा कि यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल करके ये ऐसे अंदर चला गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे थी, ये ऐसे जाकर ऐसा चला गया, तो उसके विपरीत दिशा में जो है, उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाता है, धारा बहने लगती है। इस प्रकार ये हो गया, इस धारा को चूंकि ये संग्राहक के पास ये हो रहा है, यह संग्राहक में हो रहा है, इसलिए इसको किससे दिखाते हैं, IE धारा से। आई इसे हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं, इसको नोट करते हैं, ठीक है, या इसका संकेत जो है IE से प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे तीन धाराएं बहने लगती है, एक तो IE, दूसरा IC और तीसरा जो है IB। IB की दिशा यदि IC संधि की ओर जा रहा है, तो IB भी क्या होगा, संधि की ओर जाएगा। चूंकि ये पूरा हमारा क्या है, संधि है, ये संधि स्थल है। IC धारा की दिशा देखें तो IC कहाँ जा रहा है, संधि में जा रहा है, इसलिए IB की दिशा भी क्या होता है, संधि की ओर होता है, ठीक है। और यहाँ पे IE की बात करें तो IE क्या कर रहा है, संधि स्थल से दूर जा रहा है, जबकि ये दोनों धाराएं क्या हो रहे हैं, संधि की ओर आ रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो IE संधि से दूर जाता हुआ धारा है, जबकि IB और IC संधि की ओर आ रहे धारा होते हैं। इस प्रकार यदि यहाँ पे किरचॉफ का नियम प्रयोग किया जाए, तो क्या होता है, संधि से दूर जाने वाली धारा, संधि से दूर जाने वाली धारा संधि की ओर आने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इसलिए IE इज इक्वल टू हो जाएगा IB प्लस IC, ठीक है। इस तरीके से इसमें जो है क्रियाविधि होती है। इसमें यदि हम दर्शाना चाहें धारा की दिशा, तो यहां से हमको ज्ञात हो चुका है IE की दिशा जो होती है इस प्रकार संधि से बाहर निकलते हुए होती है, और IB की दिशा संधि की ओर जाते हुए, और इसी तरीके से IC की दिशा संधि की ओर जाते हुए होती है। तो यहाँ पे हम इसको जो है देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्रिया हुई। एक बार पुनः इसको स्मरण करते हैं, क्या होता है कि ऋण सिरे से यहाँ के इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं, बेस में जाते हैं, बेस के प्लस आवेश से ये क्या हो जाते हैं,
संयोजन करते हैं, जिससे आई भी धारा जो है प्रवाहित होती है, और चूंकि ये पतला होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है संग्राहक की ओर चले जाते हैं, और यहाँ पे जब संग्राहक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो एक इलेक्ट्रॉन ये इस प्रकार से निकलकर इस बैटरी में अपने आप को नष्ट कर देता है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन नष्ट होता है वैसे ही बैटरी के इस सिरे के पास से एक इलेक्ट्रॉन जो है संग्राहक क्षेत्र में चला जाता है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नष्ट हुआ उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति यहाँ से हो जाती है और इस पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगते हैं। कौन कौन सी धारा? आई ई, आई बी और आई सी। ठीक है, तो संधि की ओर, संधि से दूर जाती हुई धारा संधि की ओर आती हुई धाराओं के योग के बराबर होता है, जिससे हम इस समीकरण को प्राप्त करते हैं। ठीक, इसके पश्चात ये हो गया आपका उभयनिष्ठ आधार परिपथ में एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। ठीक है, अब हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में ट्रांजिस्टर की क्रियाविधियों को देखेंगे। ये उभयनिष्ठ, अब दूसरा जो है हमारा उभयनिष्ठ क्या है? उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। ठीक है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब, पीएनपी और एनपीएन, है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दोनों की क्रियाविधि देखेंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि और कौन सा एनपीएन की, एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रिया विधि। ठीक है, सबसे पहले हम पीएनपी ट्रांजिस्टर में उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। ठीक है, ये हो गया पी, है ना, और ये हो गया एन, ये हो गया पी, पी एन पी। ठीक है, पी एन पी, ये भाग को क्या कहते हैं? वेरी गुड, क्या कहते हैं? एमिटर। इसको क्या कहते हैं? बेस। और इसे कौन सा भाग कहते हैं? कलेक्टर। इसी तरीके से यहां पे किसकी संख्या अधिक होती है? धन कणों की संख्या अधिक होती है। सॉरी बच्चों, इसकी जो रचना है इसको इस प्रकार से बनाते हैं। इसको एक संकेत के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया जिस तरीके से हमने ट्रांजिस्टर का संकेत देखा था, ये हो गया, ये भाग एमिटर को दर्शाता है, ये भाग बेस को दर्शाता है, ये भाग किसको दर्शाता है? कलेक्टर को दर्शाता है। ठीक है, अब यहां पे हम किसकी क्रियाविधि देख रहे हैं? पी, ये वाला भाग एन, और ये जो भाग है वो पी। ठीक है, इस प्रकार ठीक है ना। अब इसको इस प्रकार से हम जोड़ते हैं कि यहां पे हमने लिखा उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ मतलब जहां पे उत्सर्जक दोनों तरफ जुड़ा हो, उभयनिष्ठ हो, उसे क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। यहां पे आप देखेंगे कि
कि जो ये एमिटर है या जो उत्सर्जक है वो इधर बेस से जुड़ रहा है और इधर किससे जुड़ेगा, कलेक्टर से जुड़ेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ कहते हैं। ठीक है, है ना, यानी एमिटर जो होता है या उत्सर्जक जो होता है इधर बेस से जुड़ता है और इधर कलेक्टर से जुड़ता है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ कहते हैं। अब इसको किस प्रकार से जोड़ें, पी मतलब आपको मालूम है ये कौन सा भाग है, प्लस, और ये बीच वाला भाग माइनस और ये प्लस। तो एमिटर के जो भाग होते हैं ये प्लस को हम, चूंकि हमको इसको अग्र अभिनति में रखना है इसलिए कैसे जोड़ते हैं, प्लस को प्लस सिरे से। ठीक है, प्लस को हमने किससे जोड़ दिया, प्लस से जोड़ दिया, इधर माइनस हो जाएगा। ठीक, ये अग्र अभिनति हो गया। प्लस को हमने किससे जोड़ा, प्लस पी से जोड़ा। अब इसको हमें कौन से अभिनति में रखना है, इसको हमें किस में रखना है, पश्च अभिनति में। तो पश्च अभिनति में क्या हो जाता है, उल्टा क्रिया हो जाता है, विपरीत क्रिया हो जाता है। ये प्लस जो है इसको हम किससे जोड़ देते हैं, माइनस से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये प्लस को माइनस से विपरीत, तो क्या हो जाएगा, पश्च अभिनति। ठीक, ये प्लस हो गया। ये चूंकि आपका बी और ई के मध्य लगा है इसलिए इस बैटरी का नाम क्या हो जाता है, बी स्मॉल बी और स्मॉल ई। ठीक, इसी प्रकार इसका नाम बताए, हाँ क्या होगा, बी किसके किसके मध्य लगा है, सी और ई के मध्य, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वी ई सी या वी सी ई। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो है परिपथ तैयार होता है। अब इसकी जो क्रियाविधि होती है वो किस प्रकार से होती है, है ना, तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम बैटरी के मान को बढ़ाते जाते हैं, बैटरी के धन सिरे से यहाँ के जो धन कण होते हैं, चूंकि यहाँ पे P है यानी यहाँ पे क्या है, धन कण है, तो बैटरी के धन सिरे से यहाँ के जो धन कण है वो प्रतिकर्षण महसूस करते हैं और कहाँ की ओर आगे बढ़ते हैं, बेस। ये जो बेस है ये पतला होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ के जो होल है यहाँ चले जाते हैं और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन कुछ मात्रा में जो उपलब्ध इलेक्ट्रॉन है इनसे संयोजित होते हैं और जिसके कारण से आईवी धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अब जो बाकी जो धन कण होते हैं, है ना, वो कहाँ चले जाते हैं, आगे की ओर निकल जाते हैं, इधर निकल जाते हैं, जिसको हम कौन सा क्षेत्र कहते हैं, कलेक्टर वाला भाग कहते हैं, ये सी वाला भाग। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, धन कण क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो सी वाला जो भाग है या जो संग्राहक वाला भाग है, यहाँ पे होलों की संख्या या धन कणों की संख्या अधिक हो जाती है। और जैसे ही एक धन कण बिल्कुल यहाँ नजदीक यहाँ पे पहुंचता है इस किनारे पे, वैसे ही क्या होता है, बैटरी के इस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चलकर उसे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन कहां गया, ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा, यानी विपरीत दिशा मतलब इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में क्या होने लगता है, धारा प्रवाहित होने लगता है और इस धारा को कहते हैं आईसी धारा। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहां जैसे ही एक धन कण आता है, यहां से एक ऋण कण इस बैटरी से निकल के इस दिशा में ऐसे जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा इस प्रकार से ऐसे है इसलिए उसकी विपरीत दिशा में जो है धारा आईसी धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर के पास हो रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, आईसी धारा कहते हैं। यहां तक समझ आ गया। चूंकि हमने देखा कि यहां से जैसे यहाँ पे एक धन कण आया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है उसको नष्ट करता है, यानी कि धन कण क्या हो गया, अभी एक धन कण यहाँ से नष्ट हुआ, वैसे ही बैटरी के इस सिरे के पास से, इस सिरे के पास से एक धन और ऋण इलेक्ट्रॉन का जोड़ा टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन तो इस सिरे में जाकर जो है लुप्त हो जाता है, परंतु धन जो कण होता है वो कहाँ चला जाता है, पुनः ये इस पार्ट में, इस भाग में, उत्सर्जक भाग में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ जो धन कण कलेक्टर में नष्ट होता है उस धन कण की पूर्ति बैटरी के इस सिरे के पास से
इस प्रकार यह धनकड़ जो है उसकी पूर्ति हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि धनकड़ इस प्रकार से यहाँ जो है उत्सर्जक में प्रवेश कर जाता है और धनकड़ जिस दिशा में चलता है उस दिशा में धारा प्रवाहित होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, आई ई धारा। ठीक है, कौन सी धारा, आई ई धारा। तो आई ई धारा की दिशा इस प्रकार से होती है। अब ये पूरा संधि है, इस संधि में हमने देखा कि आई सी धारा संधि से दूर जा रही है तो आई बी धारा भी क्या होती है, संधि से दूर जाएगी। ठीक है, आई सी धारा जो है ये संधि है, इस संधि से दूर जा रही है तो आई बी धारा भी क्या होती है, संधि से दूर जाती है। अब यहाँ पे यदि हम समीकरण लिखना चाहें तो इस समीकरण को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हाँ, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, क्योंकि आपका आई ई जो धारा है वो संधि में आ रहा है परंतु आई बी और आई सी धारा संधि से दूर जा रहे हैं, इसलिए किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार संधि में आने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर प्राप्त हमें होता है। इस तरीके से उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में पीएनपी जो ट्रांजिस्टर होता है इस प्रकार की क्रियाविधि दर्शाता है। अब हम देखते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि कहाँ पे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में। इसका जो है संकेत इस प्रकार से बनेगा, इस भाग को पतला बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, ये हो गया आपका एमिटर। ठीक है, और ये हो गया बेस, और ये जो भाग है ये किसको दिखाता है, कलेक्टर। ठीक, यहाँ पे हम एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि देख रहे हैं, किसमें, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे एन, इसे लिखेंगे पी, और ये हो जाएगा एन। ठीक, ये बेस, इस प्रकार से एमिटर का भाग, ये कलेक्टर का भाग। ठीक है, अब चूंकि जो उत्सर्जक है या एमिटर है वो बेस से इधर जुड़ा है और इधर कलेक्टर से जुड़ा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ। और यहाँ पे हम एन पी एन ले रहे हैं, इसलिए उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। ठीक, अब इसको किस प्रकार से जोड़ा जाता है, ये बैटरी हो गया, चूंकि बी और ई के मध्य लगा है इसलिए इसको लिखते हैं वी बी ई, है ना, क्या लिखते हैं, बी बी ई। और हमें पता है कि हम इसको कौन सी अभिनति में रखते हैं, हाँ बिल्कुल सही जवाब, अग्र अभिनति। तो अग्र अभिनति में जब रखा जाता है तो आपको पता है कि n मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना, n मतलब इलेक्ट्रॉन, ऋण, n जो है ऋण को दिखाता है, तो ऋण को किससे जोड़ेंगे, ऋण से जोड़ते हैं, है ना। ठीक है, तो ऋण को हम किससे जोड़ते हैं, ऋण को ऋण से, सीधा सीधा, तो ये किस में आ जाता है, अग्र अभिनति में। ठीक ठीक, इसी प्रकार यहाँ जो बैटरी है इसको हम दिखाते हैं भी, और चूंकि ये ई और सी के मध्य लगा हुआ है इसलिए इसको क्या दिखाते हैं, किससे, वी ई सी या वी सी ई से। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात है कि हम इसको किस में रखते हैं, उस जो सी वाला क्षेत्र होता है या जो संग्राहक होता है उसको हम पश्चभिनति में रखते हैं, और पश्चभिनति का क्रम क्या है, विपरीत। विपरीत मतलब ये यदि ऋण है तो हम इसको किससे जोड़ देते हैं, धन से। ठीक है, तो इस ऋण को हमने किससे जोड़ दिया, धन भाग से जोड़ दिया। ठीक है, अब इसकी जो है हम क्या देखेंगे, क्रियाविधि, कि इसमें जो है किस प्रकार क्रिया होती है और कैसे इसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक, ये आप देख रहे हैं कि ये क्या है, बैटरी का सिरा है बी ई,
है ना। यहां से ये ऋण सिरा है बैटरी का, और यहां जो है एन जो है ये एन है ना। एन है मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आपका उत्सर्जक है ये एन है। एन है मतलब यहाँ पे क्या उपस्थित है, आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ के इसका मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, यहाँ के ऋण सिरे से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है, और कहाँ बढ़ने लगते हैं, आधार की ओर। आधार किसका बना है, टी का बना है, मतलब वहां क्या उपस्थित है, धन कण उपस्थित है ना। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाते हैं बेस में, तो यहाँ के धन कणों से क्या हो जाते हैं, संयोजित होते हैं, है ना। और संयोजित होने के परिणाम स्वरूप यहाँ पे आई वी धारा प्रवाहित होती है। लेकिन हमें पता है कि चूंकि ये जो भाग है ना, ये कैसा है, पतला है, ठीक, तो कुछ इलेक्ट्रॉन ही इससे क्या हो पाते हैं, संयोजित हो पाते हैं, और कुछ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इस क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसको हम कहते हैं संग्राहक। इस प्रकार संग्राहक क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसके पास आता है ना, वैसे ही यह बैटरी के इस धन सिरे से आकर्षित होकर इसमें क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, ठीक है। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किनारे आता है, बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होकर क्या हो जाता है, यहाँ पे लुप्त हो जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, नष्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो गया, नष्ट हो गया, ठीक। तो चूंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे चलकर इस दिशा में आया, इसलिए धारा की दिशा क्या हो जाएगी, उसके विपरीत, ठीक है। धारा की दिशा कैसे हो जाती है, उसके विपरीत हो जाती है। और चूंकि ये संग्राहक के पास की घटना है, इसलिए इसको संग्राहक धारा कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आई चलकर, और क्या हो गया, अपने आप को नष्ट कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन के नष्ट होते ही बैटरी के इस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर चलने लगता है, उत्सर्जक की ओर जाने लगता है। और एक इलेक्ट्रॉन जो नष्ट हुआ है उसकी पूर्ति उत्सर्जक क्षेत्र के पास हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कैसे निकल के गया बैटरी से, इस प्रकार से निकल के गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऐसा ऊपर जा रहा है, इसलिए धारा की दिशा क्या हो जाएगा, उसके विपरीत, यानी नीचे की ओर। इसको दिखाते हैं, चूंकि ये उत्सर्जक में हो रहा है, इसलिए इसको आई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पे नष्ट होता है, बैटरी के इस सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाता है, उत्सर्जक में चला जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन नष्ट हुआ उसकी पूर्ति कर देता है। और ये क्रिया लगातार चलती रहती है। जब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन नष्ट होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर उसकी पूर्ति कर देते हैं, जिसके कारण से इस पूरे परिपथ में आई ई, आई सी तथा आई बी धारा प्रवाहित होते रहती है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आई सी जो धारा है उसकी दिशा कैसी है। आई सी धारा की जो दिशा है वो आप देख रहे हैं कि ये संधि स्थल की ओर है। आई सी धारा की दिशा कहाँ है, संधि स्थल की ओर है, संधि की ओर जा रहे हैं। इसलिए आई बी भी क्या होगा, आई बी की दिशा भी क्या होगा, संधि की ओर होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप पूरे परिपथ में अब देखेंगे कि धारा किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। तो इस संधि की ओर दो धाराएं आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। कौन कौन सी धाराएं आ रही है, आई बी धारा संधि की ओर आ रही है, वैसे आई सी धारा भी क्या हो रही है, संधि की ओर आ रही है। लेकिन आई ई धारा क्या हो रहा है, हाँ बताइए, वेरी गुड, क्या हो रहा है, आई ई धारा जो है संधि से दूर जा रहा है। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, संधि से दूर जाती हुई धारा संधि की ओर आते हुए धाराओं के योग के बराबर होता है। इस प्रकार इस पूरे परिपथ में ये क्रिया चलते रहती है, आई ई, आई बी और आई सी धारा प्रवाहित होते रहती है। तो आज हमने जो है इनके बारे में विस्तार से अध्ययन किया कि उभयनिष्ठ आधार परिपथ में पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर कैसे कार्य
करते हैं, है ना। उसी तरीके से हमने उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में भी देखा कि पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर किस प्रकार से कार्य करते हैं और किस प्रकार आईबी आईसी और आईसी आईई जो धारा होते हैं वो प्रवाहित होते हैं। ठीक है, अब हम जो है कल इसके आगे के भागों के बारे में देखेंगे कि ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं पीएनपी और एनपीएन, ये ट्रांजिस्टर किस तरीके से प्रवर्धक के रूप में काम करते हैं। प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर, ठीक है, कि कोई निवेशी सिग्नल जो कैसा होता है, दुर्बल होता है, उसको ये क्या कर देते हैं, प्रबल कर देते हैं, शक्ति उन्हें प्रदान करते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो ट्रांजिस्टर जो होता है एम्पलीफायर की भांति कार्य करता है, उसके बारे में हम विस्तार से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। बच्चों, हमने पीएनपी और एनपीएन का संकेत देखा था, है ना। कैसे बना था ये, इस प्रकार से बना था इसकी बनावट। ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है बेस होता है ना, ये एमिटर होता है, ये वाला भाग, ये वाला जो भाग होता है वो बेस होता है, और ये वाला भाग क्या होता है, कलेक्टर होता है। किसमें, पीएनपी, ठीक है। तो यहाँ पे जो संकेत बनता है, इस संकेत में क्या होता है, पीएनपी में जो संकेत चिन्ह लगता है ना, वो क्या होता है, अंदर की ओर आता है, इसे बी की ओर आता है, ठीक। इसी तरीके से एनपीएन में हमने देखा था कि ये संकेत इस तरीके से बनता है, बीच में बेस, ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ठीक है। तो इन दोनों में संकेत में अंतर जो होता है, पीएनपी में जो संकेत है ना, वो क्या होता है, ई से बी की ओर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, बी से ई की ओर बाहर निकलते हुए, बी से ई की ओर होता है, किसमें, एनपीएन में। तो आगे जो ट्रांजिस्टर की कार्यविधि है या ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक है जो भी है, उसमें क्या होगा, पीएनपी में इस प्रकार संकेत प्रयोग होगा और एनपीएन में जो है इस प्रकार का संकेत होगा। यदि कहीं संकेत छूटा है तो उसे हम सुधार लें।